हेलो एवरीवन, ऑन ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू गेट कनेक्टेड विथ यू फाइन पीपल्स अराउंड द ग्लोब, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। आई एम यास्मीन, एन एनवायरमेंटल इंजीनियर वर्किंग विथ गौतम बुद्धा मानव सेवा संस्था। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, वी कैन मेक अवर अर्थ ए बेटर प्लेस टू लाइव बाई टेकिंग सिंपल स्टेप्स लाइक प्लांटिंग ए ट्रीज, थ्रो वेस्ट इन प्रॉपर एंड नो यूज प्लास्टिक बैग। And we should celebrate each day as Environment Day. आज दुनिया भर में Environment Day celebrate किया जा रहा है, World Environment Day. क्या सिर्फ एक दिन Environment Day celebrate करने से हमारी Environment की problem solve हो जाएगी? बताइए, क्या सिर्फ एक दिन? और बाकी दिन हम unaware रहते हैं अपने Environment के लिए, अपने Nature के लिए? अगर ये Nature नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। वर्षों से ये नेचर हमें, पर्यावरण हमें सिर्फ दे रहा है और हम बदले में क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पहले हम पेड़ काटते थे, आज हम बदले में जंगल काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विकास करना है, हम विकास कर रहे हैं। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जितना केयर हम अपनों की करते हैं, अपने पेरेंट्स की करते हैं, उसी तरह हमें केयर करना होगा प्रकृति की, नेचर का, इस धरती का। लेकिन आज की बिजी लाइफ में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, फैशन के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों की लाइफ स्टाइल की कंपटीशन कर रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं नेचर। कभी सोचा है, एक दिन अगर ये पर्यावरण ख़त्म हो गया, ये नेचर ख़त्म हो गया, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे? आज पानी की बात करें, हम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, 70% पानी प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। बट क्या आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 1-2% ही पानी पीने योग्य है, पोटेबल वाटर है, और हम लगातार वेस्ट कर रहे हैं। आज आपको अपनी कार वॉश करना है तो हमने पाइप लगा लिया। आज हमें गार्डन में पानी देना है, हमने पाइप लगा लिया। आज हमें घर की साफ सफाई करना है, हमने पाइप लगा लिया। क्या कभी सोचा है कि हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं? आपको नहाना है, आप शावर का यूज़ करते हैं, बाथ टब का यूज़ करते हैं, हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं? पानी की कीमत उनसे पूछो जो कई कई दिन बिना पानी के रहते हैं, जिन्हें पानी लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। कुछ शहर ऐसे भी हो गए हैं जहाँ कई कई दिन पानी नहीं आ रहे हैं। रोज़ हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, कभी किसी कॉलोनी में पानी नहीं है, कभी किसी कॉलोनी में पानी कम है, या कभी किसी कॉलोनी में पोल्यूटेड वाटर आ रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है, सबको लगता है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा। नीति आयोग ने एक इंडेक्स दिया है वाटर क्राइसिस का, 2030 तक 40% पॉपुलेशन इंडिया की वाटर क्राइसिस को फेस करेगी। बिल्कुल हाँ, जी हाँ, 40% पॉपुलेशन, लोग आपस में लड़ेंगे, वो भी पानी के लिए। आज पानी भी बिकता है, लोग खरीदते हैं, क्योंकि पानी इतना मूल्यवान है। पानी को बचाए, अपने लिए भी बचाए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाए। पानी को बचाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें। आप नहाने के लिए शावर की जगह, बाथ टब की जगह बाल्टी मग का यूज़ कीजिए। अपनी कार को वॉश करने के लिए भी बाल्टी का यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए आप लोग। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पानी को बचा लो। हम लोग ट्रैफिक में हैं, लोग लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, कितने नॉनसेंस है लोग, कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हम हर जगह जाने के लिए व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, इवन पड़ोस की शॉप में भी अगर हमें जाना है तो हम गाड़ी से जाना पसंद करते हैं। बताइए, जितने भी विकसित देश हैं वो आज के टाइम में साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। साइकिल से एक तो पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है, पोल्यूशन को भी बचाया जा सकता है, और हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग भी साइकिल का यूज़ कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग कार शेयरिंग यूज़ कीजिए।
पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप लेना होगा। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टिकट को आप पेपर पे नहीं मोबाइल पे दिखाइए, उसका प्रिंट आउट मत निकलवाइए, क्योंकि कागज़ भी हमें प्लांट से मिलता है, पेड़ों को काटने से मिलता है। अगर आप पेपर का यूज़ कर भी रहे हैं तो 100% यूज़ कीजिए। आप पेपर की जगह पे आप हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी का यूज़ कीजिए, मेल्स कीजिए। आज दुनिया भर में प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम प्लास्टिक पे डिपेंड हो गए हैं। मॉर्निंग से ले कर रात के सोने तक हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको ख़त्म होने में 500 से भी ज़्यादा साल लगते हैं, क्या आपको पता है? प्लास्टिक के टिफ़िन, प्लास्टिक के बैग, आपके ऑफिस में प्लास्टिक, घर में प्लास्टिक, हर तरफ प्लास्टिक। क्यों करते हैं हम यूज़ प्लास्टिक का? हिंदुस्तान में कुछ सरकार ने अच्छी पहल भी की है जिसमें प्लास्टिक बैन कर दिया है। ये मुहिम बहुत अच्छी है, लोग कुछ टाइम फॉलो करते हैं फिर प्लास्टिक का यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि ये इनकी हैबिट है। आपको पता है कचरा जिसे हम फेंकते हैं, सब कचरा तो ख़त्म हो जाएगा पर प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लास्टिक को डंप किया जाता है ज़मीन के अंदर, जिससे सॉयल पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिससे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। पानी में प्लास्टिक फेंका जाता है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, बायो मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो एनिमल पानी पीते हैं उनकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इस बार का थीम बना लो, बीट प्लास्टिक, प्लास्टिक को मारो। प्लास्टिक का अल्टरनेटिव यूज़ कीजिए, प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए। प्लास्टिक के टिफ़िन की जगह आप मेटल के टिफ़िन यूज़ कीजिए, प्लास्टिक की बॉटल की जगह आप मेटल का बॉटल यूज़ कीजिए। आप सब्जियों के लिए कपड़े की थैली का यूज़ कीजिए, इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो जाइए। हमारे पूर्वज, हमारे दादा नाना मार्केट जाते थे तो उनके साथ एक थैला होता था, आप भी उसी थैले का यूज़ कीजिए, कपड़े से बना बैग यूज़ कीजिए। खाली हाथ मार्केट मत जाइए और प्लास्टिक घर लेकर मत आइए। फ्रेंड्स, प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, इन्वायरमेंट को बचा लीजिए। अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है एंड पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है। कुछ देश ने तो कंपनी ने पहल भी कर दी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, हमें भी आने वाले टाइम में इसको यूज़ करना चाहिए। एक बात और, सोलर प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। अगर आपको नेचर को बचाना है तो जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो बहुत सस्ती होती है, जो बेसिक नीड होती है, क्या आपको पता है वो क्या होती? ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, ये हमारी तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन आज के टाइम हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, महंगी महंगी कार्स, मोबाइल फ़ोन, लग्जरी लाइफ, क्या मिल रहा है? हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने पर्यावरण का सर्वनाश कर रहे हैं। आप महंगी कार के बिना जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। जीने पर हमारा ध्यान है बट जिंदा रहने पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। आप पानी के बिना 5 दिन नहीं जीवित रह सकते हैं और खाने के बिना 5 वीक। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इन्वायरमेंट से मिलती है, नेचर से मिलती है, जिसको हम लगातार लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट, सक्सेस, बट बेसिक नीड को पीछे छोड़ रहे हैं। आज नेचर को हमने ख़त्म कर दिया है, डेफिनेटली कल नेचर हमें ख़त्म कर देगा। आज से, अभी से नेचर को बचा लो, धरती को बचा लो। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आज के दिन एक कसम खा लो कि हम कम से कम 2 पेड़ हर घर से लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।